नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हम्पी के इस ट्रैवल व्लॉग में। हम्पी कर्नाटका में एक बहुत ही सुंदर जगह है जो शायद हम सबको लाइफ में एक बार विजिट ज़रूर करनी चाहिए। ये एक रिकग्नाइज्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बेसिकली ये एक टाउन है जो कि तुंगभद्रा रिवर के द्वारा दो भागों में विभाजित है। एक साइड आपको टिपिकल बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे, रूइंस मिलेंगे विजयनगर सिटी के, और बहुत ही हेरिटेज और स्पिरिचुअल साइड है एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको एकदम हिप्पी कैफेज मिलेंगे जहाँ आप चिल कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा पैकेज है। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैक्स हैं, कोरेकल राइड्स हैं और बहुत कुछ देखने के लिए है। तो आई थिंक 3 से 5 दिनों के बीच में आप पूरे हम्पी को अच्छे से कवर कर सकते हैं। हम्पी का पीक टूरिस्ट सीज़न माना जाता है सेप्टेम्बर टू फेब्रवरी, लेकिन मैं यहाँ जुलाई में गई थी क्योंकि वो लीन सीज़न था तो कम भीड़ थी और मैं वीकडेज में गई थी। तो अगर आप भी शांति चाहते हैं और तसल्ली से घूमना चाहते हैं बिना भीड़ के, तो आप भी कुछ ऐसा ही प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम वहाँ पे कौन कौन सी जगह गए और हमें वहाँ पे क्या नया नया देखने को मिला। हम्पी बस स्टॉप के सबसे नज़दीक में ये मंदिर है विरूपाक्षा टेम्पल, जो कि यहाँ का सबसे प्रचलित और बड़ा मंदिर है तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे बसा हुआ, जो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुला रहता है और फिर शाम को 5 से 9 बजे तक। यहाँ एंट्री के कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप मोबाइल या कुछ फोटोग्राफी कैमरे से कर रहे हैं तो उसके आप 50 रुपये ज़रूर आपको देने पड़ते हैं। विरूपाक्षा टेम्पल बेसिकली शिव जी को डेडिकेटेड है और अगर आप इसे अच्छे से घूमेंगे तो आपको लगभग 1 घंटा यहाँ पर लग सकता है। यहाँ हम आ चुके हैं विरूपाक्ष टेम्पल, जो कि यहाँ का प्राइमरी वर्शिप सेंटर है। हम्पी का मेन तीर्थ स्थल इसे माना जाता है। 7वीं शताब्दी में कंस्ट्रक्ट हुआ। किसने एग्जैक्टली बनाया उसका कोई डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिला। हालांकि ये काफ़ी अलग अलग स्टेट्स के द्वारा रिनोवेट ज़रूर हुआ था, अलग अलग राजाओं ने इसे रिनोवेट किया है और काफ़ी ज़्यादा पुराना है। बाकी हम्पी के जितने भी टेम्पल्स हैं वो काफ़ी हद तक खंडित है या रूइंस में है, बट दिस टेम्पल इज स्टिल इंटैक्ट एंड ह्यूज प्रॉपर्टी, सो वी विल जस्ट शो यू अराउंड। मूर्ति के ऊपर मूर्ति का नहीं फोटो बार के लिए। सो भी यहाँ पे एक ब्लेसिंग एलिफेंट है, उनको आप प्रसाद खिलाते तो आपको ऐसे ब्लेसिंग देते हैं, तो वहां जाएंगे अभी हम। हाउ मच? महादेव सत्य मानव मिथ्य। ಈಗ ನಾಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಾ ಬೆಳ್ತು ಮಲಿಕೊಂತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಗಾಳಿ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ ವಾಯುದೇವನು, ಆ ಉಸಿರು ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಶಿವ ಆಗ್ತಾನ, ಉಸಿರು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಆಗ್ತಾನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಐ ನೀರ ಹಾ ಫ್ರೇಮ್ ಲೇನೆ ಕಿ ಕಾಫಿ ಜದ್ದೋಜಹದ್ ಕೆ ಬಾದ್, ಜೈಸೆ ಆಪ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಜಾತೆ ಹೋ ತೋ ಆಪ್ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಚೆ ಖಡೆ ವಾಲೆ ಫೋಟೋ ಲೇ ನಹೀ ಸಕ್ತಿ, ಬಹುತ್ ಊಂಚಾ ಹೈ। ಐಸೆ ಹಿ ಯೇ क्या ही कर लोगे आप, कितना कहाँ जाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। तो हमने छोटे वाले टेंपल के साथ एडजस्ट किया। इज वन ऑफ द मेन टेंपल। पूरे टेंपल के ऊपर अंदर हाथी है, फिर बहुत सारे बंदर है, कबूतर है, गाय है, और बहुत बड़ा टेंपल एक्चुअली। द एंटायर प्रीमाइसेस इज बिग और हमने टिकट भी पे किया तो कुछ 40 रुपए 25 रुपीज पर पर्सन एंट्री फॉर इंडियंस एंड 50 रुपए अगर आप मोबाइल या कैमरा इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि अंदर कोई चेक नहीं करता है। बट वी थॉट कि यहाँ की क्यों मक्कारी करनी है 50 रुपए बचा के। सो हमने खुले भी करा लिए हैं और अब हम पूरे हम्पी की ट्रिप में 50-50 रुपए बचा रहे थे। अब हम फाइनली वो वाले टेम्पल जा रहे हैं जहाँ पे क्लीशे हमें ये फोटो लेना है। क्लीशे फोटो ये वाला हम टेम्पल जा रहे हैं फाइनली, तो वहाँ जाते हैं। 50 रुपए के लिए हमने 500 रुपए तोड़वाए हर जगह। यस, तो फिर वहाँ जाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमने वो टायर को भी धक्का टायर का धक्का लगाना, टायर हिला तो तुरंत आपको बता, हो सकता है कोई खजाना खुल जाए। यस, तो हियर वी आर वेटिंग इन द क्यू। एज यू कैन सी देयर्स एन एंटायर क्यू एंड यू हैव टू टेक टिकट। पहले आप क्यू में बैठेंगे, आप वेट करेंगे, फिर आपको टिकट मिलेगा। सो दिस वी आर गोइंग टू द विट्ठला टेम्पल, एग्जैक्टली दैट 50 रुपीज वाला टेम्पल। 30 रुपीज
और हमारा अगला स्टॉप था विट्ठिला मंदिर, जो कि अपनी दो चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। एक तो ये पत्थर का रथ जो कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को दर्शाता है, जो कि एक सिंगल पत्थर को कार्व करके बनाया गया था, वो काफ़ी प्रचलित है क्योंकि इसकी प्रतिमा आपको 50 रुपये के नोट पर भी देखने को मिल जाती है। और दूसरी चीज़ जिसके लिए ये मंदिर फेमस है वो है रंग मंडपा के म्यूज़िकल पिलर्स। जी हाँ, यहाँ 56 म्यूज़िकल पिलर्स है जिसे हल्के से अगर आप टैप करते हैं तो सारेगामा पा की कई सारी धुनें निकलती है। अभी कुछ सालों पहले सरकार ने इसे टैप करना मतलब लोकल टूरिस्ट के लिए बैन किया है, तो आपका अगर कोई गाइड वगैरह है तो वो आपको टैप करके दिखाएगा क्योंकि उससे ये डिटोरिएट हो रहे थे। लेकिन हाँ, ये मंदिर काफ़ी अद्भुत था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी। और अब हम आ गए हैं शिवजी के अंडरग्राउंड टेम्पल में। जी हाँ, इसका नाम है प्रसन्न विरूपक्षा टेम्पल। ये शिवजी का इकलौता ऐसा मंदिर है जो अंडरग्राउंड है और पानी में डूबा हुआ शिवलिंग यहाँ पाया जाता है, क्योंकि जुलाई का महीना था, यह पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। और ऐसा कहा जाता है कि तुंगभद्रा रिवर की जो कुछ केनाल्स है वो इस मंदिर के थ्रू होके निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भरा था अंदर और बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो हमने बाहर से ही शिव जी के हाथ जोड़े और निकल गए अपने अगले स्टॉप पर। और इतना सारा पैदल चल के हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, तो हमने ट्राई की ये लोकल शिमला मिर्ची के बहुत ज़्यादा कटोरी चाट टाइप का बना हुआ पकौड़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा नींबू था, आप मेरे एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। और ये है यहाँ की एक स्टेप वेल यानी कि बावड़ी, जो कि प्रसिद्ध है इस चीज़ के लिए कि आप कहीं भी टेंपल में जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले आप यहाँ पे स्नान करते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये अब बस टिकट लेके फ़ोटो खिंचाने के लिए रह गया है। और ये काफ़ी खूबसूरत था यहाँ का एलिफेंट स्टेबल्स। बेसिकली कुछ भी नहीं है, पहले के ज़माने के जो रॉयल हाथी थे उसे पार्क, उनका पार्किंग लॉट था ये हाथी, क्योंकि वाहन के तौर पे काम करते थे तो इनका पार्किंग लॉट था ये यहाँ पे। और यहाँ पे 11 ऐसे इंटरकनेक्टेड चेम्बर्स हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये। थोड़ा सा बड़ा है, इसे विज़िट करने में आपको 1 घंटा लग सकता है अगर आप एंटायर प्रमाइस विज़िट करेंगे तो। और इसे विज़िट करने के लिए आप सुबह 8:30 से शाम को 5:30 बजे तक आ सकते हैं। यहाँ आने के लिए भी टिकट है, हिंदुस्तानियों के लिए 10 रुपये और फिरंगी लोगों के लिए 250 रुपये। मैडम, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है यहाँ पे। जी हाँ, ये है हम्पी का लोटस महल। लोटस इसलिए क्योंकि इसका जो गुंबज है, जो सेंट्रल डोम है, वो किसी कमल की कली के समान दिखाई देता है, और उसकी जो बालकनियाँ हैं वो किसी कमल के फूल की पत्तियों के समान, पेटल्स के समान दिखाई देती है। इसको विजिट करने के लिए आप सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको टिकट देना पड़ेगा एंट्री के लिए, तो इंडियंस के लिए 10 रुपये और अगर आप फिरंगी हैं तो 250 रुपये। और ये है यहाँ का क्वींस पाथ। जी हाँ, कुछ भी इसमें खास बात नहीं है, इसके लिए यहाँ पे टिकट भी नहीं है। सुबह 8 से 6 आप कभी भी इसको आके देख सकते हैं। हालांकि बहुत कम टूरिस्ट है, मतलब कुछ ज़्यादा देखने के लिए है नहीं यहाँ पे। बस यहाँ पे शाही लोग या फिर राजा लोग पहले के ज़माने में स्नान करने आते थे, तो ये क्वींस बाथ के नाम से जाना जाता है।
और अब हम एक खूबसूरत सनसेट देखने के लिए आ चुके हैं मतंग हिल पे। जी हाँ, मतंग एक ऋषि हुआ करते थे जो कि हनुमान जी के माता जी अंजनी जी के गुरु थे। उन्होंने बाली को ये श्राप भी दिया था कि वो इस पहाड़ पे नहीं आ सकता। तब जब सुग्रीव बाली से युद्ध में हार गया था तो वो हनुमान जी के साथ इस पहाड़ पे आके रहा था, ये जिक्र है रामायण में। और 15-20 मिनट का छोटा सा हाइक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। बेस्ट सजेशन मैं ये दूंगी कि आप उजाला रहते हुए चले जाएं, ज़्यादा लेट ना करें, बिकॉज़ ये थोड़ा सा जंगली इलाका है, तो शाम को 7 बजे आना रेकमेंडेड नहीं है। बट हाँ, अगर आप एक बार ऊपर पहुंच जाते हैं तो बहुत सुंदर 360 डिग्री व्यू हम्पी का आपको देखने को मिलता है, और सनसेट के लिए बेस्ट है। मतंग हिल के टॉप से हमें दिखा एक बहुत खूबसूरत टेंपल, तो हमने नीचे जाके एक्सप्लोर करा। इसका नाम है अच्युता राया टेंपल। लगभग 1534 CE में बना था यह अच्युता देवाराया किंग के द्वारा, और बहुत शांत, बहुत बहुत ज़्यादा शांत और ग्रैंड है। अगर आपको शांति चाहिए, मेडिटेशन करना है या अपने साथ वक्त बिताना है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टेम्पल। इसी के साथ हमारे हम्पी का सफ़र यही ख़त्म होता है। अब हम आगे यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ प्रस्थान करेंगे। अगर आपको ये सारी जगह खूबसूरत लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आप हम्पी गए हैं या कोई और टेंपल या कोई और जगह आपने एक्सप्लोर करी है तो वो भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू यकूज़ा ट्यूनिंग चैनल। बाय बाय।